यूपी बोर्ड कक्षा 6 का एग्रीकल्चरल साइंस कृषि विज्ञान चैप्टर नंबर 4 है सिंचाई एवं सिंचाई के यंत्र। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सिंचाई कब करनी चाहिए? पहला ऑप्शन दे रखा है जब पौधे हरे भरे दिखाई पड़े, या दूसरा ऑप्शन है जब फसल को कीड़े से बचानी हो, या तीसरा ऑप्शन है जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगे, या चौथा ऑप्शन है जब पानी बरसने की संभावना हो। तो उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड्स, जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगे तब सिंचाई करनी चाहिए। प्रश्न नंबर सेकंड है, फसलों की सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में पहला पॉइंट दे रखा है पौधों की बढ़ावार के लिए, दूसरा है पौधों की पत्तियों को बढ़ावार रोकने के लिए, तीसरा है वायु में मृदा में वायु के संचार को बढ़ाने के लिए, चौथा है मृदा में जल धारण क्षमता की वृद्धि के लिए। तो इसका राइट आंसर अगर बात करते हैं तो पौधों की बढ़ावार के लिए फसलों की सिंचाई आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, किसी फसल में सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में निम्नांकित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? मान लीजिए किसी फसल में हमें पानी जो सिंचाई की जो आवश्यकता है उसको कम करना है, तो कौन सा कारक होगा महत्वपूर्ण होगा? पहला है मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा, दूसरा है बलुई मृदा, तीसरा है फसल में खरपतवार की अधिकता, चौथा है रासायनिक उर्वरकों की अधिक प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा ही आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये सिंचाई को कम करने का कार्य करेगा। प्रश्न नंबर सेकंड है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। पहला कथन दे रखा है पौधों की जड़ें जली घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। बिल्कुल बात सही है, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो जली घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। सेकेंड है पौधों का भोजन पत्तियों द्वारा अंधेरे में बनाया जाता है। बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये पेड़ पौधे होते हैं अपनी पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, लेकिन वो प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है। और उसको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करती है H2O के साथ, लेकिन हमें क्या होता है HNO जो होता है प्रकाश की क्रिया, प्रकाश से संश्लेषण जो कि क्लोरोफिल हरित लवक के उपस्थिति में होता है, उसके बाद हमारा बनाता है स्टार्च या सुक्रोज आपका ग्लूकोज बनाता है ये, और हमारा CO2 यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है जो कि हम लोग अपना ग्रहण करते हैं श्वसन के रूप में। धान की फसल में गेहूं की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि धान की फसल में गेहूं की अपेक्षा कम कहाँ यार कब कहोगी, धान में तो बहुत ही पानी की आवश्यकता होती है, तो कैसे गेहूं की अपेक्षा कम कैसे हो सकती है, इसलिए बात गलत हो जाती है। आप तो खुद ही इसको तो आँखें बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। अगला है जैव पदार्थ मृदा की जलधारण क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो जैव पदार्थ होते हैं मृदा की जलधारण क्षमता को ये प्रभावित करते हैं। अगला है पॉइंट, पाताल तोड़ कुएं से जल उठाने में बिजली द्वारा संचालित पंप की आवश्यकता पड़ती है, ये बात बिल्कुल गलत है, जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं उनमें से बिजली जल निकालने के लिए बिजली द्वारा संचालित पंप का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अगला है चेन पंप 10 मीटर की गहराई तक सुगमतापूर्वक पानी उठाता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में स्तंभका से सुमेल करना है, तो स्तंभका में इधर देख पा रहे होंगे दोन है, रहट है, ढिकली है, ढिकली, नलकूप और पत्तियां, इसका मिलान करना है आपको स्तंभका से। तो दोन की बात करता है, तो दोन क्या होता है दोस्तों, दोन हमारा कम गहरा कुआं कहलाता है, जो कम गहरा कुआं होता है उसको हम दोन के नाम से जानते थे। रहट जो होता है, रहट को हम कुएं के नाम से जानते हैं, जो कुआं है उसको रहट भी बोलते थे। ढिकली जो होता है, तालाब होता है, उसको तालाब को ढिकली बोलते हैं। नलकूप जो होता है, नलकूप भूगर्भ जो जल होता है उसको नलकूप कहते हैं, नलकूप। और पत्तियां जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन करती है, ठीक है। इस प्रकार इसका मैच करा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कारण बताइए। पहला प्रश्न इसमें पूछा है बलुई व दोमट मृदा में पानी शीघ्रता से रिसता है। सेकंड प्रश्न है गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है ऊसर भूमि को सिंचाई द्वारा फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला उत्तर है बलुई व दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता
दल धारण क्षमता नहीं के बराबर या कम होने के कारण पानी शीघ्रता से रिसता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पता है जो बलुई और दोमट मिट्टी होती है उसमें जल धारण क्षमता होती नहीं है, इसलिए उसमें क्या होता है, पानी जो होता है शीघ्रता से रिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो पानी गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है। और प्रश्न नंबर 3 का उत्तर इस प्रकार से है, ऊसर में पानी खड़ा करने या सिंचाई से उसकी ऊपरी परत का खारापन नीचे चला जाता है और धान वर्षी बोते समय से जैविक खाद के प्रयोग से वह धीरे धीरे उपजाऊ होने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्षी धान उन बोने से क्या होता है कि सिंचाई करते हैं तो जो खारा होता है, खारापन होता है उस मिट्टी का, ऊसर मिट्टी का, वो नीचे चला जाता है, धीरे धीरे वो उपजाऊ होने लगती है। प्रश्न नंबर 5 है, फसलों में सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, उपयुक्त समय पर वर्षा ना होने से पौधों की उपयुक्त विकास और वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, जिसे सिंचाई कहते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए उपयुक्त वर्षा ना हो, समय पर वर्षा ना हो, तो पौधों को हम उपयुक्त विकास और वृद्धि भी रुक जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से जल देते हैं जो कि नल के ऊपर से या आपके नहरों से वहाँ तक सिंचाई की जाती है। इस क्रिया ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो इस प्रकार से आप फसलों की सिंचाई आप ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछ रखा है प्रश्न नंबर सिक्स में पूछ रखा है कि फलों के लिए जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, वर्णन कीजिए। फलों के लिए जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होने से फसलों को अधिक जल चाहिए। तो आपको पता है जो गर्मी होता है, गर्मी के समय में मृदा जल का जो वाष्पीकरण होता है अधिक होता है, उससे क्या होता है, फसलों के अधिक जल चाहिए होता है। सेकेंड पॉइंट है, बलुई दोमट में जल रिसता है, इसलिए फसलों को अधिक जल चाहिए। सेकंड पॉइंट है, जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी है, तो इसमें जल क्या होता है, रिस जाता है, इसलिए फसलों को वहाँ पे भी अधिक सिंचाई होनी चाहिए, मांगती है। पॉइंट नंबर 3 है, धान गन्ना जैसी फसलों को अधिक जल देने की ज़रूरत होती है। बात बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है कि जो धान होते हैं, गन्ना जैसी फसलें होती हैं, इनको अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 4 है, वर्षा की मात्रा व वितरण सिंचाई को प्रभावित करती है। वर्षा की जो मात्रा है या वह वितरण होता है, वो सिंचाई को प्रभावित करती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, अधिक जैविक खाद से जल धारण क्षमता बढ़ने से सिंचाई की ज़रूरत घटती है। अगर हम अधिक जैविक खाद से का प्रयोग करते हैं तो जो जल धारण क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है और सिंचाई की ज़रूरत भी हमारी घटने लगती है। पॉइंट नंबर 6 है, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से सिंचाई की अधिक ज़रूरत होती है। तो जब अगर हम रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करेंगे तो सिंचाई की भी अधिक ज़रूरत है, इसलिए आप जैविक खादों का इस्तेमाल करिए। अगर यदि आप जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी उस खेत की और हमें सिंचाई कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो उर्वरक से उसमें क्या होती है, जल धारण क्षमता रुक जाती है, कम हो जाती है और हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 7 है, बैड़ी तथा राहट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये बैड़ी क्या होता है, ये हमारा राहट क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन करना है। बेड़ी लिख लीजिएगा यहाँ पे, बेड़ी, ठीक है, बैड़ी यहाँ पे लिखा हो, गलत लिखा है, बेड़ी लिख लीजिएगा। बेड़ी क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे, यह 1 मीटर गहराई से पानी उठाने का साधन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये हमारा 1 मीटर गहराई से उठाने का, इसको हम बेड़ी बोलते हैं, 1 मीटर गहराई से पानी उठाने का साधन होता है। या आप देख पा रहे होंगे पहले समय में इस प्रकार से एक बेड़ी रहती थी, जो हम दौरी बोलते हैं, या जिसमें इस समय तसला चलने लगा है लोहे का, तो उस समय इस प्रकार से दौरी रहती थी, उसमें रस्सी बांधी जाती थी, इधर उधर दो दो रस्सी, ये देखिए आप रस्सी इधर जा रही है, इधर जा रही है एक रस्सी इधर, इसको पकड़ करके दो लोग, एक आदमी इधर रहता था, एक आदमी इधर, तो पानी को इससे गड्ढे में से निकाल के खेतों में पहुंचाता था, खींच खींच करके, ठीक है, वो डुबो के खींच लेता था। इस प्रकार से इसको बेड़ी का कार्य करती थी। फिगर में आपने देख लिया। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, या 1 मीटर गहराई से पानी उठाने का साधन होता है, ठीक है। इसमें बाँस की दोहरी तथा धनी बुनाई वाली टोकरी का, घनी बुना लिख लीजिएगा, घनी बुनाई वाली टोकरी का प्रयोग किया जाता है। टोकरी का ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास ये जो होता है 7, टोकरी का ब्यास 7 ब्यास यानी कि 7 ब्यास 75 सेंटीमीटर होता है। टोकरी का मध्य भाग 10 सेंटीमीटर गहरा तथा किनारे पर छिछली होती है। टोकरी के किनारे पर 2 मीटर लंबी 4 रस्सियाँ बांध दी जाती है, 2-2 मीटर की लंबी 4 रस्सियाँ बांध देते हैं। पानी उठाने के लिए इसमें 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है।
किस प्रकार से बेड़ी आपका है उसमें फिगर बना है, इसको देख लीजिएगा और इस प्रकार से इसका कार्य होता है। सेकंड पॉइंट है रहट। रहट की बात करते हैं, यह यंत्र भी कुओं से पानी निकालने के काम आता है। इसमें बहुत सी लोहे की बाल्टियाँ माला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं जो लोहे के पहिए पर घूमती हैं। बाल्टियों की संख्या कुएँ की गहराई पर निर्भर करती है। रहट चलाने के लिए एक ऊँट या दो बैल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप फिगर देख पा रहे होंगे, एक कुआँ है, कुएँ में पानी भरा हुआ है और इसमें क्या है, ये जब किनारे किनारे जो आपको दिख रही हैं इसमें बाल्टियाँ हैं, ठीक है। बाल्टियाँ एक तरफ से खुली रहती हैं, जिससे बाल्टी होती है उसे बाल्टी को उसको बांध दिया जाता है। फिर जब ये आपका बैल यहाँ से चलता है, इसको रोटेट कराता है, तो यहाँ से आपका एक आपका सॉफ्ट से अब क्या होता है कि ये भी घूमता है। जब घूमता है तो पानी क्या होता है निकलता है और यहाँ पे आके गिरता है। ये निकल के फिर नालों से जहाँ पे हम उसको पहुँचाना था पहुँचा देते हैं। इधर साइड में गिर रहा, इधर पानी आके इधर गिर रही है। तो इस प्रकार से देखिए नाले बने हैं, नाले से होते हुए आगे बढ़ा दी जाती है खेतों में। ये हमारा राट होता है। तो इसमें एक बैल, दो बैल या एक ऊँट की आवश्यकता होती है और एक इंसान भी रहता है उसके पीछे पीछे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, सिंचाई की तोन और पेंच यानी कि इजिप्सियन इसको साधनों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। इजिप्सियन इसको क्या होता है और दोन या पेंच को हम इजिप्सियन इसको कहते हैं, इन दोनों का तुलनात्मक वर्णन करना है। तो उत्तर में कहेंगे दोन। दोन की बात करते हैं तो दोन क्या होता है, 1 मीटर से कम गहराई से पानी निकालते हैं। दोन 3 मीटर लंबे टिन से निर्मित नाव होती है, ठीक है, नाव जैसी होती है जो हमारा दोन होता है। फ्रेंड्स दोन की बात करते हैं तो 1 मीटर से कम गहराई का पानी हम निकाल पाते हैं इसमें और ये 3 मीटर लंबे टिन से निर्मित नाव जैसी इसकी आकृति होती है। एक सिरा जो होता है चौड़ा तथा मुंह बंद होता है। एक सिरा इसका जो होता है चौड़ा होता है और जो मुंह होता है बंद होता है, जबकि दूसरा सिरा सकरा और मुंह खुला रहता है। जबकि दूसरे सिरे की बात करते हैं वो सकरा रहता है, उसका मुंह क्या होता है खुला रहता है। इसमें पानी उठाने का काम एक व्यक्ति करता है। पानी स्रोत के समीप दो बल्लियों के मध्य के बीच लगी धुरी के सहारे 4 मीटर लंबी बल्ली के किनारे पर दोन को बांधा जाता है। दूसरे किनारे पर पत्थर या बोरे से में मिट्टी बांध दी जाती है। इस प्रकार से ये दोन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से पानी के स्रोत से बल्लियों की सहायता से इसमें पानी निकाला जाता है, जिसमें वो आपको 4 मीटर लंबी बल्ली के किनारे पर दोन को बांधा जाता है और किनारे पर पत्थर या बोरे बांध दिए, किनारे पर जो उसमें बल्ली होती है उसमें पत्थर या बोरे बांध देते हैं और पानी को निकालते रहते हैं। पेंच की बात करते हैं, जो इजिप्शियन इसको होता है, इसको यह क्या होता है, यह लकड़ी के ढोल के समान होती है। जो लकड़ी का ढोल होता है इस प्रकार की होती है। लंबाई लगभग इसके 1.5 मीटर तथा व्यास जो होता है 40 सेंटीमीटर होता है। यह यंत्र 40 डिग्री से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाया जाता है। 40 से 45 डिग्री कोण बनाते हुए लगाया जाता है। एक सिरा पानी में लकड़ी के कुंदे पर रखा जाता है। यंत्र को घुमाने पर पानी पेंच के सहारे ऊपर सिरे से बाहर आता है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9, सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, किसान जल स्रोतों से अपने खेतों तक जल पहुंचाने हेतु अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जैसे बेड़ी, ढेकुली, दोन, चरसा, रहट, चैन, पंप आदि। इसकी विस्तृत जानकारी निम्नवत है। पहला है, पहले बेड़ी की बात करते हैं। तो बेड़ी की बात करते हैं तो बेड़ी को और भी नामों से जानते हैं, जिसको हम दौरी बोलते हैं या दोगला बोलते हैं, ठीक है। बेड़ी के और नामों से क्या बोला जाता है, दौरी या तो दोगला बोला जाता है। यह अगर इसकी बात करते हैं तो यह 1 मीटर गहराई से पानी उठाने के लिए प्रचलित साधन है। इसमें बाँस की धोरी तथा घनी बुनाई द्वारा तैयार टोकरी प्रयोग में लाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, बांस द्वारा जो घनी बुनाई करके दोरी या टोकरी का जो होता है, इस टोकरी का हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें 2-4 रस्सियाँ लगी होती हैं और 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है चलाने के लिए। सेकंड बात करते हैं ढेकली। ढेकली क्या होता है, इसमें से 3 से 4 मीटर गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर 3 से 4 मीटर पानी अगर गहराई में है तो उसको उठाने के लिए हम ढेकली का प्रयोग करते हैं। ढेकली चलाने के लिए 1 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें लकड़ी की थूनी या धुरी के सहारे 5 से 6 मीटर लंबी बल्ली इस तरह लगाते हैं कि पानी के स्रोत की तरफ बल्ली का 2/3 से कुछ ज़्यादा भाग रहे। बल्ली के दूसरे किनारे पर लोहा या पत्थर का 20-25 किलोग्राम वजन बांध दिया जाता है। इस पर ये हमारा ढेकली होता है।
अगर हम दोन की बात करते हैं तो दोन इसमें लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई से पानी निकाली जाती है। यह लगभग 3 मीटर लंबा टिन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता है। इसका एक सिरा थोड़ा चौड़ा तथा मुंह बंद होता है, दूसरा सिरा सकरा तथा मुंह खुला होता है। ठीक है, जो एक सिरा होता है वो जो चौड़ा होता है उसका मुंह बंद रहता है, दूसरा जो सिरा होता है वो सकरा रहता है और उसका जो मुला मुंह होता है वो खुला रहता है। चौथा है चरसा। चरसा क्या होता है, अपने गांव में आपने अपने गांव या आसपास देखा होगा कुएं से सिंचाई करने के लिए चरसा का प्रयोग होता है। कुएं के ऊपरी भाग पर बल्लियों के सहारे लकड़ी की बड़ी गड़ारी रखी जाती है। इस गड़ारी पर मोटी रस्सी के सारे चमड़े का थैला यानी मोट बांधते हैं जो कुएं से पानी भरकर ऊपर लाता है। एक जोड़ी बैल ऊंचाई से नीचे की ओर ढालू जमीन पर पानी भरा थैला खींचते हैं। जो ही पानी भरा थैला कुएं पर आता है, एक व्यक्ति जो वहां खड़ा रहता है इसे अपनी ओर खींचकर पानी गिराने के बाद चरसे को वापस कुएं में डाल देता है। इस प्रकार से चरसे का इस्तेमाल किया जाता है। चैन पम्प की बात करते हैं, इसके द्वारा 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर गहराई से पानी उठाया जाता है। इस यंत्र में लोहे की एक जंजीर में छोटे छोटे गट्टों की माला लोहे के बड़े पहिए पर चढ़ी रहती है। गट्टेदार माला को घुमाने पर लोहे के पाइप के सहारे पानी ऊपर आता है। तो जो चैन पंप होता है दोस्तों, उसको क्या आता है, इसमें इसका इस्तेमाल हम 1.5 से लेकर 3 मीटर गहराई वाले पानी को निकालने के कार्य में कर लाते हैं। या जो यंत्र होता है लोहे की जंजीर, इसमें छोटे छोटे गट्टों की माला बनाते हैं, छोटे छोटे गट्टे होते हैं उसकी माला बनाते हैं। उस माले में लोहे की बड़े पहिए पर चढ़ी रहती है और गट्टेदार माला घूमता रहता है, लोहे की पाइप के सहारे पानी ऊपर आता रहता है। बल्टदेव यानी बाल्टी, यह यंत्र 1 मीटर तक की गहराई से पानी निकालने के लिए सर्वोत्तम पाया गया। इसमें दोन की भांति दो बल्टियाँ होती हैं जो गड़ारी पर पड़ी हुई रस्सियों के सहारे बारी बारी से पानी में जाती हैं और पानी भरकर ऊपर आती हैं। इसे चलाने के लिए एक जोड़ी बैल की आवश्यकता पड़ती है। पेंच या इजिप्शियन स्क्रू, यह क्या होता है, इस यंत्र को पेंच भी कहा जाता है। यह लकड़ी के ढोल के समान होता है और भीतर से स्क्रू यानी पेंच के समान बनावट होती है। इसका एक सिरा पानी के अंदर लकड़ी के कुंदे पर रखा होता है। यंत्र को घुमाने पर पानी पेंच के सहारे ऊपरी सिरे से बाहर आता है। पॉइंट नंबर 8 है यंत्र चालित पंप। अधिक गहराई से भूमिगत जल को उठाने के लिए इस प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बिजली की मोटर या डीजल द्वारा चलाया जाता है। यंत्र चलित पालक ये पंप होते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।